नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। दवा व्यापारियों ने अपनी मांगे पूरी होने पर मंत्री को किया सम्मानित। दवा व्यापारी प्रशासन के द्वारा बनाए गए नियम और प्रताड़ना से थे परेशान। दवा व्यापारियों ने मंत्री से प्रशासन द्वारा प्रताड़ना की शिकायत और नियमावली में बदलाव के लिए की थी मांग। ग्राम विकास मंत्री आनंद शुक्ला ने दवा व्यापारियों की मांगों को किया पूरा। मंत्री ने जिला प्रशासन से मीटिंग कर नियमावली में किया बदलाव। कहा, प्रशासन व्यापारियों को न करे परेशान। मंत्री द्वारा व्यापारियों के हित में फैसले से खुश केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने मंत्री को किया है सम्मानित। संदीप अग्रवाल भाई, मंत्री जी को ऑनर दिया जाए। मंत्री जी काफी योगदान रहा। नहीं, मंत्री जी ने काफी बढ़िया एक्शन लिया। मंत्री जी ने होलसेल दवा मंडी को जो है सप्ताह में 5 दिन, फुटकर दवा की दुकानों को सप्ताह में 7 दिन की सुविधा दिलाई, मांगे पूरी की। हमारे सभी दवा व्यवसायी बंधु नगर क्षेत्र में दुकानें सभी व्यवस्थित चलें, सभी उपभोक्ताओं को ग्राहकों को समय से व्यवस्थित तरीके से दवा मिले, उसके लिए मांग थी कि सप्ताह के 5ों दिन 9 बजे से 5 बजे तक सभी दुकानें खुलें और शनिवार रविवार में भी जो फुटकर दुकानें हैं वो प्रातः 7 से 11 बजे तक खुलें, उसकी व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की गई है। इसलिए आज सभी व्यवसायी बंधुओं ने अपने मध्य मुझे बुलाया है। मैं आनंद कुमार सिंह, डीसीडीए प्रेसिडेंट। हम लोगों ने मंत्री जी से जो व्यापारियों को लेकर के एक ऊहापोह की स्थिति बनी थी, दवा की दुकान को भी और दुकानों की तरह उस शेड्यूल में समाहित कर दिया गया था। दवा एक बहुत ही एसेंशियल सर्विस में आता है। इस पैंडेमिक में, इस कोरोना के बचाव में, आज अगर दवा की दुकान न रहे, सारी दवाओं का अगर उपलब्धता निर्बाध रूप से न हो, तो शायद आज के डेट में प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटलों में जो व्यवस्था है आपको बखूबी संज्ञान है। मंत्री जी से बात होते ही उन्होंने कहा कि हम भैया पहुंच रहे हैं परसों, और उस सभागार में प्रशासन के सामने व्यापारियों के आवाज़ों को पूरी तरह से बुलंदी से उन्होंने सुनने और सुनवाने का काम किया, और हम पूरी तरह से कोरोना वायरस के बचाव के नियमों का अनुपालन करते हुए बलिया के जनता का सेवा करेंगे, सारे मरीजों तक निर्बाध दवा।